रोजगार जनसेवा केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल प्रजापति। आज हम बात करेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2023/BARC। इसमें हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस और पोस्ट और इसकी जितनी संपूर्ण जानकारियां हैं सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 24/4/2023 से और इसका लास्ट डेट है 22/5/2023। इसमें दो तरह की वैकेंसी हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेन स्कीम और स्टेपेंडरी ट्रेन। इसमें डायरेक्ट वाले में है आपका टेक्निकल ऑफिसर, जिसके लिए 181 पोस्ट हैं। ग्रुप ए लेवल 10 की पेमेंट है 56,100 रुपये। उसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट बी 7 पोस्ट हैं, ग्रुप बी लेवल 6 की पेमेंट है 35,400। टेक्नीशियन बी 24 पोस्ट हैं, ग्रुप सी लेवल 3 21,700। इसी तरह ट्रेनिंग स्कीम स्पेंडरी ट्रेन में दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो है 1216 पोस्ट हैं, इसमें फर्स्ट ईयर जो आपको पेमेंट मिलेगी 24,000, सेकेंड ईयर आपको पेमेंट मिलेगी 26,000। इसमें कैटेगरी फर्स्ट और सेकेंड में आपको 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें जो मंथली पेमेंट जो है इन्होंने फिक्स कर दिया है। कैटेगरी सेकेंड के लिए 2,946 पोस्ट हैं, फर्स्ट ईयर 20,000 पेमेंट मिलेगी और सेकेंड ईयर आपको 22,000। इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको जो है फुल पेमेंट मिलेगी। आगे मैं बताऊँगा जब आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो आपको किस लेवल की पेमेंट मिलेगी। दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है टेक्निकल ऑफिसर सी की बात हम करेंगे। इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। इसमें जो है SC ST OBC EWS और जनरल के लिए जो है सीटें मेंशन की गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन देखिए मैं बता देता हूँ आपको, डिग्री रहना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ। आपके डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और केमिस्ट्री है तो MSc केमिस्ट्री होना चाहिए, उसमें फिजिक्स है तो MSc फिजिक्स होना चाहिए। ये उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है। देखिए आगे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी दिया है, अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो BTEC अगर किया आपने तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दोनों भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, जितने भी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डिसेबल पर्सन विद डिसेबल जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीटें बताई गई हैं कि फिजिक्स में देखिए 1 सीट है, वहीं पे आर्किटेक्चर में 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीट है। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखिए ये मेंशन कर दिया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1 leg, मतलब जो दिव्यांग है प्लस 1 पैर से इफेक्टेड है उसके लिए 1 सीट है, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लो विजन के लिए भी देख लीजिए, फिजिक्स में लो विजन के लिए भी 1 सीट है। इसी तरह फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे जो है डिटेल शो कर दी गई है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, सेम उसी तरह है, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन। उसके बाद जो है कि इसमें भी टोटल सीटें हैं 7, इसमें BSc रहना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन, और 60% से आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन। अब दोस्तों टेक्नीशियन बी में भी आपका बॉयलर अटेंडेंट आ जाता है, जिसमें टोटल सीट 24 है, इसमें 10th। उसके बाद जो बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन स्कीम में जो आ जाता है कैटेगरी फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, इसमें भी सेम वही चीजें मांग रखी हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी में 60% रहना चाहिए, या आपका डिप्लोमा है या डिग्री है तो 60% रहना चाहिए, पास आप रहने चाहिए। उसमें जो टोटल वैकेंसी यहाँ मेंशन कर दी गई है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके वैकेंसी को देख सकते हैं। इसमें देखिए कैटेगरी फर्स्ट में भी डिसेबल पर्सन विद डिसेबल और दिव्यांग के लिए भी वैकेंसी को जो मेंशन कर दिया गया है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, डिसेबल के लिए रिजर्व की गई हैं। केमिस्ट्री में देखिए 3 सीटें हैं, उसी में ये भी मेंशन किस कैटेगरी के लिए है ये भी मेंशन कर दिया गया है। लोको मोटर डिसेबिलिटी 1 leg,
कैटेगरी सेकंड की बात करेंगे जिसमें क्लास 10 साइंस मैथ विथ जो है 60% मार्क्स साथ रहना चाहिए आपका कंप्लीट, उसके बाद जिस भी ट्रेड से आपने आरटीआई किया है और रिलेटेड ट्रेड जैसे फीटर है, टनर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इन सब की टोटल सीट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। जैसे फीटर के लिए 698 सीटें हैं, उसी तरह यहाँ पे देखिए ये पोस्ट कोड 23 से लेके पोस्ट कोड 31 तक, यहाँ पे देखिए इसमें भी 10th क्लास विद साइंस और मैथ, तो नॉर्मली आपके पास साइंस और मैथ तो रहता ही है हाई स्कूल में क्लास 10th में, उसके बाद रिलेटेड ट्रेड जैसे प्लम्बर ट्रेड है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 42 है। अब हम इसमें एक बात करेंगे प्लांट ऑपरेटर की, देखिए प्लांट ऑपरेटर के लिए टोटल है 532 पोस्ट, इसमें जो है कि 12th रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, 60% मार्क्स आपके रहने चाहिए टोटल। उसी तरह जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, लेबोरेटरी के लिए देखेंगे 303 सीट है टोटल, और उसके बाद इसमें जो है 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी भी रहना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसी तरह फिर उसके बाद पर्सन विद डिसेबल के लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया किस किस कैटेगरी के कौन कौन डिसेबल पर्सन एलिजिबल है, नंबर ऑफ सीट भी इन्होंने मेंशन कर दी है। दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर के लिए देख लिए 18 से 35 साल एज रहनी चाहिए, 23/5/1998 से 22/5/2005 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको ओबीसी को 3 ईयर, एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 ईयर और पीएच कैंडिडेट को 10 ईयर छूट मिलती है एज में। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने मेंशन कर दिया है 18-30 ईयर एज, 23/5/1993 से 22/5/2005 के बीच। टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 साल, 23/5/1998 से 22/5/2005 के बीच। और उसके बाद इन्होंने कैटेगरी फर्स्ट के लिए भी इन्होंने मेंशन कर दी 19 से 24 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीएच को 10 साल, ऐसे ही मेंशन कैटेगरी के लिए अप्लाई एज रिलैक्सेशन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है। सिलेक्शन मेथड की बात करेंगे जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए देखिए कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा 1 आवर का, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स हो 3 नंबर का होगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस पर 1 नंबर आपके कट जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है। उसी तरह टेक्नीशियन बी के लिए देख लीजिए प्राइमरली टेस्ट है, एडवांस टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, और स्टेज फर्स्ट में जो आपका है मैथ में 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस में 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और एक अगर गलत होने पे कोई तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे वो माइनस मार्किंग के। एडवांस टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो है आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 नंबर कट जाएंगे, एक क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का रहेगा। और स्किल टेस्ट में जो है अगर आप फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में पास कर लेते हैं स्किल टेस्ट के लिए, तो इसमें 4-5 times कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए, और फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट है उसी के बेस पे जो है कि मेरिट बनेगी तो आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए देखिए दोस्तों मैंने इसका बार का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि फॉर्म को कैसे फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियरली मैंने इसको बता दिया है। आप मेरे YouTube की साइट पर जाके प्लेलिस्ट में जो है कि आप देख सकते हैं मैंने इसका फॉर्म अप्लाई का प्रोसीजर फुल बता दिया आप लोगों को। अप्लीकेशन फी के लिए देखिए टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए जो है 500 रुपये फीस, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपये, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं, और उसी में कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड के लिए, कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपये शुल्क, कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपये शुल्क, एससी एसटी पीडब्ल्यू और वुमेन के लिए कोई शुल्क नहीं। जब आप मेरा ऑनलाइन प्रोसीजर वाला
वीडियो देखेंगे तो उसमें देखिए फॉर्म फिल करते समय आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, किस स्टेट में कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज करना चाहते हैं। इसमें ढेर सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आपको जो आपके नजदीक हो एग्जामिनेशन सेंटर उसे आप चूज कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद जो कैटेगरी फर्स्ट की जो पेमेंट हो जाएगी लेवल 7 की हो जाएगी 44,900 रुपये। उसी तरह से कैटेगरी सेकेंड के लिए टेक्नीशियन डी, टेक्नीशियन सी और टेक्नीशियन बी की सैलरी जो है लेवल 5, 4, 3 और 29,200, 25,500, 21,700 हो जाएगी। जो आपकी जब तीसरा साल आपका चालू होगा जबकि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी पेमेंट जो है इंक्रीज हो जाएगी, आप जो परमानेंट बेसिस पे एकदम बिल्कुल हो जाएंगे। उसी तरह इन्होंने बॉन्ड भी दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बॉन्ड में ये कहा है कि 3 साल से पहले आप जो है कि अपनी पोस्ट पे जो है उससे छोड़ नहीं सकते, पोस्ट को छोड़ नहीं सकते। अगर आप पोस्ट फिर भी छोड़ना चाहते हैं तो इन्होंने जितनी सैलरी दी है, जितने अलाउंसेंस है और जो इनका TA DA है और इंटरेस्ट, ये सब पे करके ही आपको फिर नौकरी को अपने छोड़ सकते हैं। दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।